इमरान खान को इस्लामाबाद में रोका गया, इमरान खान के काफिले को भी रोका गया है। इमरान खान का घर है ये लाहौर स्थित। तला अजीज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, वहां के पत्रकार जुड़े हुए हैं। तला, आपसे जानना चाहेंगे ये जो हम तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? बुलडोजर भी एक्शन में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इस टाइम जो है वो दमान पार्क, जो कि लाहौर की एक मेन लोकेलिटी है जहां पर इमरान खान की रिहाइश गाह है, वहां पर बाहर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस जो है वो आज भरपूर तैयारी के साथ आई है यहां पर। और ये पुलिस का वहां पर पहुंचना जो है वो उसके बाद नजर आया है, जिस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने कारकुनान के हमरा जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। उसके बाद पुलिस वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने तमाम के तमाम जो दमान पार्क को जाने वाले रास्ते हैं पहले उनको सील किए और उसके साथ ही साथ वहां पर जो है वो जितने भी अफराद हैं वो वहां पर जो है वो इस टाइम पर जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन क्योंकि ज्यादातर तादाद के अंदर कारकुनान जो है वो इमरान खान के साथ ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए कारकुनान की बड़ी तादाद इस टाइम पर दमान पार्क में मौजूद नहीं है। लेकिन जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो रिजिस्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि पुलिस को किसी ना किसी तरह से रिजिस्ट किया जाए और एंटर ना होने दिया जाए। लेकिन आज पुलिस भी भरपूर तैयारी के साथ आई है, इनके साथ ही साथ इनके पास लिफ्टर्स भी हैं जो कि ये लाए हैं ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से वहां पर अपने तौर पर कंटेनर्स रखे गए थे, उन कंटेनर्स को हटाने के लिए ये लिफ्टर हैं। पुलिस ने सबसे पहले जाते साथ ही जो जमान पार्क के बाहर जो कैंप्स लगाए गए थे उन कैंप्स को जो है वो वहां से उतारा है। उसके बाद जो है वो वर्कर्स की जानिब से कुछ रेजिस्टेंस जो है वो सामने आई है। अभी तक की इत्तला जो है वो जमान पार्क से ये आ रही है कि कुछ अफराद को लोग वहां पर भागते भी नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया, क्या फायरिंग भी हुई है? नहीं, फायरिंग की कोई वहां पर इत्तला नहीं है। अलबत्ता जो है वहां पर कुछ क्लैशेस जो है वो पुलिस के और कारकुनान के जो है वो बिल्कुल हुए हैं और पुलिस के लाठियों से बचने के लिए ही जो है वो वहां पर लोग जो है वो इस टाइम पर भागते हुए दिखाई देखे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की जो फायरिंग की है कोई ऐसी इत्तला नहीं मौजूद हुई। और जब इमरान खान का ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर आई है, देखिए इमरान खान का ये घर है लाहौर स्थित और घर में किस तरह से पुलिस पहुंच गई है। ये गेट, मेन जो गेट है आप देख पा रहे हैं, पुलिस इस तरफ है और अंदर परिवार के सदस्य होंगे। ये देखिए जरा किस तरह से समर्थकों का जमावड़ा भी, हुजूम भी है और पुलिस खदेड़ने की कोशिश में है पूरी तरह से। तलहा जी ज्यादा जानकारी देंगे। तलहा, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इसके बारे में बताएं जरा। वो अभी तक के सोर्सेज के मुताबिक जो वहाँ पर मौके पे हमारे जो लोग साथी मौजूद हैं, जो पुलिस मौजूद हैं, उनके मुताबिक पुलिस जो है वो कामयाब हो चुकी है इमरान खान के घर के अंदर दाखिल होने के अंदर। और जो है वो जिस तरह से पहले काफी देर तक रेजिस्टेंस जो है वो जारी रही है, अब वो रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता कम होती जा रही है। अंदर जो लोग जो मौजूद हैं वो कुछ ना कुछ हद तक वो रिजिस्ट कर रहे हैं अभी भी, लेकिन जो पुलिस है वो अब इमरान खान की रिहाइश का वो दाखिल हो चुकी है। और बताया जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से कि आज जो है वो जमान पार्क के अंदर, जिस तरह से पहले भी गवर्नमेंट की जानिब से एलिगेशन लगाए गए थे कि अंदर मुसल्ला अफराद जो है वो जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं और वो जो है वो रजिस्ट जो है वो ज्यादा पुलिस को जो है वो रजिस्ट करते हैं जो मुस्लिम से, तो वो उनको जो है वो आज बताया जा रहा है कि उनको भी अंदर से गिरफ्तारियां भी जो है वो कुछ मुतवक्को हैं। और अभी पुलिस जो है वो इस टाइम पर जमान पार्क के अंदर इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है और अब से जो है वो कुछ देर बाद ही जो है वो कुछ कहा जा सकता है कि अंदर से कुछ गिरफ्तारियां जो है वो अंदर हो सकी हैं या नहीं हो सकें, ये मुमकिन तौर के ऊपर जो है वो आज। लेकिन बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखें, दोबारा आपका हम रुक करेंगे अपडेट के साथ। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वहां के हालात को बताने के लिए। गीता मोहन हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। गीता, पाकिस्तान के हालात, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, इमरान खान पाकिस्तान में पूरा बवाल, उनके घर पर पुलिस, इसको देखकर क्या कहना चाहेंगे इस हालात पर? सबसे पहली बात है जो पेमरा के अकॉर्डिंग के तहत पेमरा ने लाइव टेलीकास्ट बैन कर दिया है, यानी कि एक मीडिया ब्लैकआउट कह सकते हैं इस पूरे एक्शन को लेकर। लेकिन इमरान खान नेशनल टेलीविजन चैनल्स, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। जितना आप इनका जो कवरेज है, अपने घर से बाहर निकल के इस्लामाबाद तक जो उनका सफर था, सब कुछ रिकॉर्डेड था और सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लैकआउट, मीडिया ब्लैकआउट है, उसका कोई फायदा नजर नहीं आएगा। लेकिन ऑन द ग्राउंड जो हो रहा है वो बहुत क्रिटिकल और एसेंशियल है। इमरान खान अब घर पे नहीं है,
तो कहीं ना कहीं लाहौर में पुलिस अथॉरिटीज को लगा ये मौका है कि वो वहां से जो लोग इमरान खान के घर के बाहर जमान पार्क में बैठे हुए थे उनको हटा पाए। लेकिन जो एक्शन हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है उस पर इमरान खान ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है ये कहते हुए कि बुशरा बीबी जो उनकी बेगम है वो अभी भी घर के अंदर है और ऐसे ऐसे इंस्टेंस पर जब इमरान खान खुद घर पे नहीं है अरेस्ट वारंट तो इमरान खान के अगेंस्ट था, ये एक्शन होना और पुलिस अथॉरिटीज का घर के अंदर अभी वैसे ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जहां पर मैंने नहीं देखा जहां पर वो घर के अंदर घुसे हुए नजर आए, लेकिन जो बैरिकेड्स तोड़ना और अंदर घुसना और लोगों को बाहर करना ये एक्शन शायद उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आया कि इमरान खान नहीं है तो शायद इसलिए कर सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन बदलता नजर आ रहा है वो काफी सीरियस हो सकता है और जब जब ऐसे एक्शन होगा गवर्नमेंट और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को सोचना होगा और हमें हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी डिसीजन पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के गो अहेड के बगैर हो नहीं सकता। तो जो एक्शन हम देख रहे हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज का वहां कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को सोचना होगा कि क्या ये इनके फायदे में है या नहीं। और दो चीजें गीता हमें साथ साथ देखने को मिल रही है, इमरान खान भी ट्वीट कर रहे हैं और पहले से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके घर पर पुलिस पहुंच सकती है और गिरफ्तार किया जाएगा, साजिश रची जा रही है।